हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यशका किचन में। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए दिवाली स्पेशल ड्राई फ्रूट सैंडविच बर्फी। जिसे बनाने के लिए आपको क्या करना है आगे देखिए वीडियो में। सबसे पहले हमने खजूर लिए हैं और उसको हमने पीस कर चिकना करना है। हमने इसको पेस्ट बना दिया है। ड्राई फ्रूट में हमने काजू को भी मिक्सी में पीस लिया है, बादाम को भी, पिस्ता को भी हमने पीस लिया है और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट आप जो आपको पसंद है वो ले सकते हैं। इन्हें अच्छी तरह से सॉफ्ट हाथों से मिक्स कर लें और एक डो तैयार कर लें इस ड्राई फ्रूट की। ये हमने हल्के हाथों से तैयार की है। दूसरी साइड पर हमने घी को गर्म करना है। इसमें हमने दूध डाला है और शुगर भी हमने इसमें ऐड कर दी है। हमने कितनी कितनी मात्रा ली है ये सब आपको स्क्रीन पे हमने लिख कर बता दिया है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम अच्छी तरह से इस तरह से फेंटते रहेंगे। इसको हमें तब तक पकाना है जब तक ये कढ़ाई से छूट ना जाए और इसका एक टाइट डो तैयार ना हो जाए, तब तक आप इसको पकाएं। ये थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा और ये देखो कढ़ाई से ये छूट चुका है। और अब हमने इसमें इलायची पाउडर ऐड करना है, उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर ले। अभी भी हम इसको थोड़ा और टाइट करेंगे। ये देखिए इसने घी छोड़ दिया है। अब ये इसके ऊपर चिपक भी नहीं रहा है और एकदम टाइट डो है। इसको हाफ हाफ कर ले। अब जल एक डो को हम अलग साइड पे रख देंगे और दूसरी डो को हमने इस तरह से प्लेट को ऑयली कर उसके ऊपर जमाना है। हमने जो ड्राई फ्रूट की डो तैयार की थी उसकी भी लेयर इसके ऊपर लगा देनी है। अब हम इसको इसके अंदर इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे और हल्के हल्के हाथों से हम इसको उसके अंदर मिक्स कर देंगे। इसको हम हल्के हाथों से इसके ऊपर मिक्स कर देंगे। हल्के हल्के हाथों से आपको इसको इसके ऊपर जमाना है। और जो दूसरा डो हमने रखा था वो भी इसके ऊपर सेट कर दें इस तरह से। इसे भी सेम तरीके से हमने इसके ऊपर कवर करना है और फिर इसको हम 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। 20 मिनट के बाद आप इसको गार्निश कर ले पेपर से, सिल्वर पेपर से, और आप चाहें तो इसको केसर भी लगा सकते हैं, गुलाब की पत्तियां भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम इसके पीसेस काटेंगे, जैसे आपको पसंद हो उस तरह से आप इसको काट सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारी अगली वीडियो के लिए। देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।